जय माँ काली। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ माँ काली की कृपा से, माता रानी की आशीर्वाद से आप सभी अच्छे और कुशल मंगल होंगे। आज मैं माता रानी की भोग के लिए बना रही हूँ गाजर और सूजी के लड्डू। आइए चलते हैं। ये देखिए, मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है। अब मैं इस कटोरी के, एक कटोरी मैंने सूजी भून लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, हमने सूजी को भून लिया है, अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसे निकाल लेंगे। देखिए, सूजी भून लिया है। अब मैंने गाजर ग्राइंड कर लिया है, और देखिए कितनी से है, शायद पाव है, उसमें पानी भी है। ग्राइंड करते टाइम थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, तो वो मैं गाजर हमने डाल दिया है ग्राइंड करके, और साथ में 2 तेज पत्ता डाल दिया है। अब इसे पका लूंगी थोड़ा सा, क्योंकि इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। मैंने ग्राइंड कर लिया है, सूजी से भी बारीक हो गई है, तो इसको एक उबाल आने देते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए, गाजर पक गई है। अब मैं इसके अंदर भुने हुए जो सूजी थे ना, वो डाल दूंगी। अब मैंने मिक्स कर लिया है सूजी और गाजर को। अब मैं चीनी डालूंगी। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, हमने पहले सूजी भुने थे, उसमें भी घी नहीं डाला था। अब जब गाजर डाले तब भी नहीं दिया था, तो घी, अब चीनी मिक्स करने के बाद अब डालूंगी घी। जैसे ये अच्छी तरह से भून जाए, घी में पक जाए, और फिर ये इसका स्वाद भी बढ़ जाए। गाजर वैसे भी लाल रंग के हैं, मैं कलर नहीं डालूंगी, तो गाजर का जो कलर है ओरिजिनल वही रहेंगे। और सूजी तो हमने डाला है। अब देखिए, सूजी थोड़ा सा, वो घी थोड़ा सा और डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर, तो वो मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब इसे ढक दूंगी। ढकने के बाद ठंडा होने देने, बंद, गैस बंद करके ढक देते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए, हमने ढक्कन खोल दिया है। अब एक थाली में इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने थाली में निकाल लिया है। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। हाथ को अच्छी तरह से धो के थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, फिर बनाते हैं लड्डू।
इस तरह से सभी लड्डू को बना लेंगे, फिर दिखाते हैं। ये देखिए हमारे बन गई है लड्डू। तो गाजर किसे पसंद नहीं है, गाजर का हलवा सबको पसंद है और सूजी भी सबको पसंद है। तो मैंने दोनों को एक साथ मिला के बना दिया है लड्डू। अब मैंने इसमें ये बादाम है, जो बादाम की कतरन हमने इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, तो इससे थोड़ा सा और अच्छी लगेगी। आज मैं माता रानी को इसी लड्डू से भोग लगाऊंगी, तो इसीलिए मैंने फटाफट ये लड्डू बना लिए हैं। आप भी बनाइएगा, आगे दिखाते हैं मैं कैसे लगाती हूँ भोग। ये देखिए माता रानी की भोग रेडी है, अभी पूजा में बैठेंगे, फिर आगे दिखाते हैं। जय माँ सर्वमंगला की जय।